अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं जुनेद हलीम। पहले एक नजर दुनिया हेडलाइंस पर। कराची के इलाके लियारी में पुलिस और एफसी का सर्च ऑपरेशन, दस्ती बमों और रॉकेटों का इस्तेमाल, दोनों इतराफ से फायरिंग का सिलसिला जारी। उसामा बिन लादेन की हलाकत के एक साल बाद अहले खाना को सऊदी अरब भिजवा दिया गया। अमरीकी जज ने अब्टाबाद ऑपरेशन की तस्वीर जारी करने का हुक्म देने से इनकार कर दिया। मुल्तान के सुल्तान ने वफादारी निभा दी, स्विस हुकाम को चिट्ठी ना लिखने पर वजीर आजम तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार, नाहलियत के लिए आर्टिकल 63(1)(g) की तलवार लटकने लगी। गिलानी को वजीर आजम तस्लीम नहीं करेंगे, नवाज शरीफ और इमरान खान ने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अमरीका का कहना है कि अदालती फैसला पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर असरअंदाज नहीं होगा। वॉशिंगटन के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, सियासी और अस्करी कयादत सर जोड़कर बैठ गई। मुल्तान जिमनी इलेक्शन में नवाज लीग को अपसेट शिकस्त, पीपल्स पार्टी का सल्तनत गिलानिया में जश्न, सदर जरदारी की वजीर आजम को मुबारकबाद। माजी की दो अजीम अदाकाराएं शबनम और जेबा एक साथ, मुलाकात में आंखें नम, हसीन यादें लौट आईं। माइकल जैक्सन की जेरे इस्तेमाल चेहरे का मास्क और साबिक अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन के कत्ल के वक्त जेरे इस्तेमाल दूरबीन को नीलामी के लिए पेश कर दिया गया। और बॉलीवुड के 100 साल मुकम्मल होने पर डॉक्यूमेंट्री कैटरीना कैफ शीला की जवानी वाला किरदार अदा करेंगी।